हेलो फ्रेंड्स, राइट विद प्रेम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। फ्रेंड्स, हमारे पास में दो फोटो हैं। इन दो फोटो से हम कार्ड डिजाइन करेंगे। पॉकेट साइज फोटो आप किस प्रकार से फोटोशॉप में बना सकते हैं, जो कि आप ये देख सकते हैं। इस प्रकार का पॉकेट साइज फोटो बैकग्राउंड मिक्स करके हम बनाएंगे। इसकी क्या साइज होगी, कैसे प्रोसेस होगा, किस प्रकार से आप बना सकते हैं, तो फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन ट्यूटोरियल होने वाला है। तो इस ट्यूटोरियल को आप कंप्लीट पूरा देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करेंगे, हमारे पास में दो फोटो हैं, हम फोटोशॉप ओपन करेंगे और इन दोनों फोटो को फोटोशॉप में हम ओपन कर लेते हैं। पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, आप कोई सा भी एक फोटो ले लीजिए और उसका एक बैकग्राउंड ले लीजिए जिसमें आपको इसे मिक्स करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल में जाएंगे और यहाँ से न्यू पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक नया पॉपअप आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले कस्टम को चूज कर लेना है और यहाँ पर इनसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में इसकी विड्थ जो है वो आपको 3 रखनी है। ठीक है, और हाइट इसकी है वो 2 रखनी है। ठीक है, तो विड्थ 3 इंच और हाइट 2 इंच, रेजुलेशन आपको 300 ही रखना है और यहाँ से ओके कर दीजिए तो एक नया टेम्पलेट जो है वो आपके पास में आ जाएगा। अब ये बैकग्राउंड जो है वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो बैकग्राउंड को मिक्स करने के लिए क्या करेंगे, हम पीछे जाएंगे उस बैकग्राउंड पर और उस बैकग्राउंड को यहाँ से कॉपी करेंगे, बैकग्राउंड पर जाएंगे और उसके बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट में जाएंगे और सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो ये पूरा जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद में एडिट में जाएंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में हम दोबारा जो है वो हमारे पैम्पलेट पर जाएंगे। हमारा पैम्पलेट जो है वो हमने लिया था 2x3 का, यहाँ पर है। एडिट में जाएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और कंट्रोल टी करके उसको मिनिमाइज कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से तो एक प्रकार से हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर आ गया है, लेकिन हमको सेम बैकग्राउंड नहीं रखना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे और गोजन ब्लर में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम 50% जो है उसको ब्लर कर लेंगे। ओके, तो एक इस प्रकार का टेम्पलेट जो है हमारे पास में आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम उस फोटो पर जाएंगे जिस फोटो को हमें बनाना है। उस फोटो को पहले आप कटिंग करके एक साइड कर लीजिए, जिस प्रकार से हमने कटिंग किया है उसको। कटिंग करना ज़रूरी है, कटिंग करने से फ़ोटो की एडिटिंग अच्छी से हो जाएगी। तो हमने इसको कटिंग कर लिया है फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, कटिंग करने के लिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, आप पॉलीएंगल लासो टूल का प्रयोग कर सकते हैं, पेन टूल का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो उससे आप कटिंग इसको कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, उस फोटो को उठा करके हम इस टेम्पलेट के ऊपर ले आएंगे। ठीक है, जो टेम्पलेट हमें बनाना है 2x3, अब उसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, आप कंट्रोल टी करेंगे और कंट्रोल टी करके अल्ट और शिफ्ट प्रेस करते हुए उसको छोटा कर लीजिए, जितना आपको रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस फोटो को इतना यहाँ से रख लिया। ठीक है, छोटा करने क्या करें, कंट्रोल टी करेंगे और उसके बाद में अल्ट और शिफ्ट प्रेस करते हुए आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इफेक्ट बैकग्राउंड में इफेक्ट देने के लिए फेस लाएंगे। तो वापस हम दोबारा उसी पर जाएंगे, फोटो पर यहाँ पर गए, इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद में इसको सिलेक्शन बनाएंगे। ठीक है, ये मार्केट टूल सेलेक्ट करना है और उसके बाद में इसको सिलेक्शन बनाना है, इतना जितना फोटो आपको अंदर लेना है। और उसके बाद में राइट क्लिक कीजिए और फेदर पर जाइए। फेदर यहाँ पर आपको 50 का देना है, 55 या 50 के आसपास फेदर देना है। या अब आपको क्या करना है, कंट्रोल सी कॉपी करना है, या फिर आप यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप वापस अपने टेम्पलेट पर चले जाइए यहाँ पर, और यहाँ पर आकर के एडिट में जाइए और यहाँ से पेस्ट कर दीजिए, या फिर आप कंट्रोल वी कर सकते हैं। अब ये फोटो यहाँ पर आ चुका है, अब आप कंट्रोल टी कीजिए। कंट्रोल टी किया, ये बॉन्डिंग बॉक्स आ गया। अब आपको क्या करना है, अल्ट और शिफ्ट प्रेस करते हुए उसको छोटा करना है। ठीक है, ये हो गया, इसको आप ओरिजेंटल में कर लेता हूँ, इसको थोड़ा घुमा देता हूँ। ठीक है, हो गया। अब फ्रेंड्स क्या करना है, इस फोटो को हमें इसके पीछे ले जाना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस फोटो को यहाँ से नीचे ले आएंगे। नीचे ले जाता है ये फोटो जो है वो आप पीछे चला जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, पीछे चला गया। अब हमको क्या करना है, इस फोटो पर इफेक्ट देना है, बैकग्राउंड के अंदर मिक्स करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस फोटो को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये वाला यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद में लेयर में जाएंगे, लेयर स्टाइल और बॉन्डिंग ऑप्शन पर जाएंगे। बॉन्डिंग ऑप्शन पर जाने के बाद में क्या करना है, यहाँ पर बॉन्डिंग मोड लिखा हुआ है, यहाँ से बहुत सारे मोड हैं,
यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं आपको कौन सा वाला रखना है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं वो आ जाएंगे, जो इफ़ेक्ट आपको शानदार लगे वो आप रख लीजिए। मैं यहाँ पर ओवरले रख रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको रख लिया, ठीक है। ये होने के बाद में आपको क्या करना फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई सा भी कीवर्ड जो है वो आप टाइप कर सकते हैं, टी प्रेस कीजिए और यहाँ से कोई भी स्लोगन जो है वो आप टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टाइप नहीं करूँगा आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, मैंने यहाँ पर टाइप करके रखा है ये, और इस प्रकार से आप जो है वो टाइप करके रख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इस फॉन्ट को यहाँ पर ले आता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ और अपने अनुसार इसको एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप जो कुछ भी नाम यहाँ पर रखना चाहे वो रख सकते हैं। तो मैंने ये पर रख लिया है, मैं थोड़ा सा इस फ़ोटो को ऊपर कर लेता हूँ, और नीचे से जो है फ़ोटो को थोड़ा सा आप इराइज करना चाहे तो इराइजर टूल पर क्लिक कीजिए, और इराइजर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सॉफ्ट ब्रश को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप इसको बढ़ा दीजिए, ठीक है। कितना बड़ा आपको करना है, ठीक है, इतना बड़ा कर लिया। और उसके बाद में हमने इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद में हम इसको थोड़ा सा इराइज कर लेंगे नीचे से, ठीक है। और अगर आप इसकी ओपोसिटी कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आपकी ओपोसिटी आप इसकी कम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये ओपोसिटी इसको 80% के आसपास हम इसको रख लेंगे, ठीक है, ओके। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे हम, ये करने के बाद में हमारा टेम्पलेट जो है कम्प्लीट यहाँ तक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन सब को मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और ई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, कंट्रोल शिफ्ट और ई, जैसे ही मिक्स करेंगे ये पूरा मर्ज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बैकग्राउंड है, यहाँ पर डबल क्लिक करना है, जिसलिए ये लेयर में बदल जाएगा, ठीक है। डबल क्लिक करने पर ये लेयर में बदल जाएगा, यहाँ पर लेयर जीरो हो गया। अब हम इस पर बॉर्डर लगाएंगे, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, लेयर में जाएंगे, लेयर स्टाइल, और यहाँ पर स्ट्रोक पर जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी कलर का एक स्ट्रोक लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर वाइट कलर का स्ट्रोक लगा रहा हूँ, और ये लगाने के लिए यहाँ पर मैं साइज़ जो है इसकी 2 कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 कर लेना है, और यहाँ से इसको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद में यहाँ से आपको ओके कर देना है, ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट बनाने के लिए कंट्रोल जे प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, कंट्रोल जे प्रेस किया, ये डबल हो गया। ऊपर वाले को हम मिनिमाइज करेंगे, इसलिए ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट है। कंट्रोल टी करेंगे, बॉन्डिंग बॉक्स आ जाएगा। अल्ट और शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको नीचे खींच लेंगे, ठीक है, इतना ये खींच लिया, और इंटर प्रेस करेंगे तो ये बन गया। अब ये पीछे वाला जो बैकग्राउंड हमें दिख रहा है उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले को सेलेक्ट कीजिए। नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करने के बाद फिल्टर में जाइए, ब्लर में जाइए, और गोशन ब्लर पर जाइए, और यहाँ से 50% पहले से सेलेक्ट था, और ओके कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपका एक टेम्पलेट जो है वो तैयार हो जाएगा। अब इन दोनों को मर्ज कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करेंगे, ये मर्ज हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, एक नया टेम्पलेट लेना है प्रिंट करवाने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कस्टम में हम 4:6 को सेलेक्ट करेंगे, और रेजुलेशन 300 रहेगा, और ओके कर देंगे। इमेज में जाएंगे और यहाँ से इसको रोटेट कर लेंगे, ये नया टेम्पलेट आ गया, ये 4:6 वाला टेम्पलेट है। अब हम क्या करेंगे, मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे इसको अगर आपका डायरेक्ट क्लिक नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट लेयर पर टिक कर दीजिए, ठीक है, और इसको यहाँ से पकड़ करके इधर ले आइए, हो गया। अब हम इसको यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेंगे, ये हो गया। अब इसको कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर लीजिए, 2 हो गई, इसको इधर एडजस्टमेंट कर लीजिए, कंट्रोल जे कीजिए, डुप्लीकेट हो गई। आप इसको नीचे कर लीजिए, कंट्रोल जे कीजिए, डुप्लीकेट हो गई, और इसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए। इस प्रकार से 4:6 में आपके 4 टेम्पलेट जो हैं इस प्रकार से आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा ट्यूटोरियल था आपके लिए। फ्रेंड्स ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट करते रहिए ताकि आपकी और मेरी बातचीत होती रहे। फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।